अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकातु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चिकन मैदे की रोटी बना रही हूँ। ये देखो, ये 1 किलो चिकन है, बोटलेस है। देखो ऐसे टुकड़े में काटी हूँ इसको मैं। और ये आटा है, थोड़ा आटा है, इतना सा रवा है, बाकी का मैदे का आटा है। और इसके अंदर मैंने तेल डाल के, नमक डाल के गर्म पानी से गुनी हूँ 1 घंटा पहले। ये देखो ऐसा हो गया है अभी। हाँ, अभी इसको मैं बेल के इसके अंदर अंडा डाल के फिर ये मसाला बना के बताती आपको। इसको चिकन अंडा रोटी बोलते। ये 1 चम्मच जीरा है, ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये 4 कांदे चॉप करी हूँ, 2 शिमला मिर्च है उसको काटी हूँ बारीक बारीक, 1 करी पत्ता है, 3 अंडे हैं, 1 कोथमीर है, पुदीना है और 1 प्याली दही है और ये तेल है। ये सब मसाले इसमें लगेंगे, अभी मैं आपको बता रही हूँ। तेल डाल के मैंने तेल डाली हूँ, अभी मैं इसमें जीरा डाल दी, 1 चम्मच जीरा है और ये करी पत्ता है। इसमें ज्यादा तेल नहीं लेने का, क्योंकि फिर रोटी सही नहीं बनेगी। ये मसाला बनाने का है। ये देखो, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी मैं पूरे मसाले डाल रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ। ये देखो मसाला तैयार है भून के, अभी मैं ये चिकन डाल रही हूँ। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। ये अभी मैं कांदा डाल रही हूँ, अभी कोथमीर डाल रही हूँ, पुदीना मिक्स कर रही हूँ, शिमला मिर्च। अभी मैं सब मिक्स करके फिर बाद में दही डालूंगी। अभी दही डाल दी, 1 प्याली दही टेस्ट के मुताबिक। 1 किलो के करीब करीब चिकन है ये बोटलेस। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं 5 मिनट बारीक आँच पे पानी सूखने तक पकाऊंगी। हाँ देखो, अभी मैंने आटा गून के 1 घंटा पहले रखी थी। आपको बताइए आटे में क्या क्या लेके गूनने का हो। हाँ, नमक, तेल और गर्म पानी से आटा गूंदने का। थोड़ा सा रवा ली थी, बाकी पूरा मैदा ली थी। अभी मैंने आटा गूंद के अभी मैंने निकाली, अभी इसके पेड़े बना रही मैं। ये देखो इतने पेड़े बन गए हैं, 1/2 किलो आटा और इतना सा रवा, इसके इतने पेड़े बन गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेड़े बन गए। अभी मैं इसकी रोटी बनाती हूँ, बेलते हुए आपको बताती हूँ। अभी इसकी रोटी बेल के बताती हूँ आपको। ये देखो ऐसी रोटी बनाने की। और फिर उसके अंदर छोटा सा अंडा बना के डालने का, उसके बाद उसमें कोकुन चिकन मसाले में बनाए वो उसके अंदर भर के लपेटने का बताती हूँ। ये देखो 3 अंडे को मैंने पूरी, अभी थोड़ा सा नमक डाल रही, थोड़ा सा नमक डाल रही, ये देखें
इसको हिलाऊंगी और एक एक चम्मच में छोटा छोटा अंडा बनाऊंगी। दो चम्मच तेल डाली, अभी मैं अंडा कलाई थी ना, ये देखो अंडा बनाई निकाली। हर बैदे की रोटी में ऐसा एक एक अंडा बना के डालेंगे और उसके अंदर चिकन भरेंगे। अभी मैंने इसमें एक चम्मच तेल डाली, अभी तेल गरम हो गया, अभी मैं ये रोटी बना रही। अभी ये रोटी बन गई ना, फिर उसके अंदर अंडा डालने का और चिकन मसाला डालने का और उसको पलटी करके रख देने का, इसको बोलते हैं चिकन अंडा रोटी। ये देखो अभी दोनों तरफ से सेक के हो गया। हाँ अभी मैं इसमें अंडा बना हुआ तैयार अंडा बता डाल रही और अभी मैं चिकन डाल रही। चिकन मसाले में मैं बताई वैसा चिकन लो बोनलेस और उसमें ऐसा मसाला डालो बहुत टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म चिकन मैदा रोटी तैयार है, इसको बना के खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।